हेलो गाइस, मैं हूं शिव और आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सोचने पड़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए। आइए आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देखिए। दोस्तों, आपने इन बाबा को देखा, ये हनुमान जी के मंदिर में लोगों के भूत भगाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि इनको देख कर ही भूत भाग जाते होंगे। ये इतना खतरनाक चेहरे का इम्प्रेशन देते हैं कि आदमी उनको देख कर डर जाता है। जिस व्यक्ति की जो भी समस्या होती है, किसी को बला लगी है, किसी को कुछ समस्या है और इनके पास जब जाते हैं तो वो उस समस्या कैसे समाधान करते हैं, इस वीडियो में आप देख के समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, हमने देखा किस तरह से सटा सट इन्होंने उस महिला को दे मारा। अब सोचिए दोस्तों कि इस तरह से अगर किसी का इलाज होगा तो भूत तो क्या, आदमी का समझ में कह नहीं सकता कि क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से इलाज किया जाए तो उसका भूत उतर जाएगा, भूत भविष्य सब उतर जाएगा, जिस तरह से इन्होंने इलाज किया है। दोस्तों, ऐसे बहुत से वीडियो हैं। ये दोस्तों, कोई भक्त जाता है उनके सामने, अगर उसको भूत बुला भी है तो खड़े खड़े लात भी मार देते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो क्लिप देखिए कि किस तरह से एक भक्त इनके सामने खड़ा हुआ है और इनके ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं और ये उस व्यक्ति को लात मार देते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप खुद देखिए कि किस तरह से इन्होंने उस व्यक्ति को लात मार दी। देखा आपने दोस्तों, देखिए। दोस्तों, आपने देखा वीडियो क्लिप किस तरह से बाबा लोगों का उपचार कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हनुमान जी इनके अगर शरीर में आते हैं तो क्या हनुमान जी इस तरह से व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर हनुमान जी आएंगे तो क्या हनुमान जी इस तरह से लोगों को मारपीट करेंगे। इम्पॉसिबल दोस्तों, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी का जो स्वभाव है, जो चित्रण है, वो हम सब ने सुंदरकांड में और रामायण में देखा भी है, सुना भी है और महसूस भी किया है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के ज़माने में हनुमान जी के मंदिर जा रहा है और श्री रामचंद्र जी के मंदिर जाता है और खुद देखता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हनुमान जी सर झुका के बैठे हैं। कितना मान सम्मान है दोस्तों उस तस्वीर में। अभी तस्वीर देखिए, राम दरबार की तस्वीर है, कितना मान सम्मान है दोस्तों। अब आइए आपको हम ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, हनुमान जी है और ये भक्त हैं और भक्त आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर और ये बाबा किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ये मंदिर में, वो भी मंदिर में। सोचिए दोस्तों, इलाज करने के तरीके तो बहुत से देखे हैं लेकिन इस तरह से इलाज कौन भला करता है। मैंने तो ये भी सुना है कि हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत दूर से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, जब मंदिर में अगर भूत पहुँच गया है तो क्यों नहीं भागेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अपने विचार जरूर लिखिएगा कि दोस्तों, मैं आपको इनका नाम बता दूं। दोस्तों, इनका नाम है छोटे पागल दास जी और दोस्तों ये रहने वाले हैं औरैया, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला जिसका नाम औरैया। औरैया से मात्र कुछ ही दूरी में एक फपून रेलवे स्टेशन पड़ता है। आप गूगल में टाइप करेंगे फपून रेलवे स्टेशन तो आपको मिल जाएगा और वहीं से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक छोटा सा गाँव जिसका नाम बिचोली है और उसी गाँव में एक मंदिर है हनुमान जी धाम बिचोली वाले। तो बिचोली वाले मतलब वहाँ पर वो फेमस हो गया है, वो धाम है तो वहाँ पर बालाजी धाम के नाम से फेमस है लेकिन बाबा जी बिचोली के रहने वाले होंगे, आसपास के जो गांव के होते हैं तो इसी तरह से उनका भी नाम पड़ गया बिचोली वाले। तो दोस्तों, इनका नाम है छोटे पागल दास जी। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने विचार जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं और ये वीडियो ज़्यादा तक लोगों का शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।